हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बीएमसी मशीन पे वर्क ऑफसेट कैसे डालते हैं। मान लीजिए कि जब बीएमसी मशीन पे जब वर्क ऑफसेट डालते हैं तो हमारे पास ऑफसेट में जाते हैं, ऑफसेट में जाने वर्क में जाके डाल देते हैं एक्स वाई और जेड के 54, 55, 56। अगर मुझे यहाँ ना डालकर बल्कि प्रोग्राम में अगर वर्क ऑफसेट डालना हो तो कैसे डालेंगे, तो चलिए आज उसी पे बात करेंगे। उसी के ऊपर मेरा आज टॉपिक है और ये माइक्रो प्रोग्राम में प्रोग्राम बनाए जाते हैं। तो चलिए आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट वैल्यू, ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जब हम प्रोग्राम में ऑफसेट बनाते हैं तो ये तो एक सब प्रोग्राम बनाते हैं ऑफसेट का, उसके बाद मेन प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो ये सब प्रोग्राम में बनता है। तो देखिए, इसका जो हमारा स्टैंडर है, ये स्टैंडर है फानुक कंट्रोलर में, इस माइक्रो प्रोग्राम पे हमारी मशीन रीड करती है। जैसे डाल देंगे हैच 5201, हैच 5220 तक ये ऑफसेट रहेगा, जैसे 5202, 203, 204 से लेके 220 तक, ये होता है एक्सटर्नल ऑफसेट वर्क, एक्सटर्नल वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट वैल्यू होता है, ठीक है। यानी मान लीजिए कोई बूस उस जब डायल कर लेते हैं तब के लिए होता है ये, और ये है। उसके बाद जैसे 54, 55, 56 जब हम किसी वर्क पीस का आईडी डायल करते हैं, ये होता है एक्सटर्नल वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट, यानी किसी पिक्चर का बूस उस डायल कर लेते हैं उसके लिए ये दे देते हैं। अगर 54, 55 जब मान रहे हैं कोऑर्डिनेट, उसके लिए इसका यूज करते हैं, जैसे 5221 से लेके 5240 तक, ठीक है, इसमें यूज होगा 5222, 5223 ऐसे करके 40 तक यूज होगा 54 में, ठीक है। 55 में भी ऐसे ही होता है, ये 20 बढ़ जाए, मतलब 20 इसमें होता है 19 तक, फिर 19 के बाद इसमें 19 ऐड हो जाता है। तो ये हमारे आप 54 में जितने रख सकते हैं एक्स वाई जेड ए बी सी और भी जितने ऑफसेट रखना चाहे उसको रख सकते हैं, ठीक है। आपको 20 पॉइंट इसमें मिल जाता है और सब में 20 20 पॉइंट मिलता है। तो 54 के लिए अगर मशीन में प्रोग्राम बना रहे हैं, 54 ऑफसेट में भी कोई प्रोग्राम डालना है, उसका कोऑर्डिनेट डालना है एक्स वाई और जेड का, तो हम आगे इसमें बताऊंगा किस तरह पड़ता है। तो ये समझ लीजिए, 54 के लिए हमें इतने कोड यूज करने पड़ते हैं, 55 के लिए 5241 से लेकर 5260 तक, 55 के जो वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट वैल्यू होती है उसमें इतने यूज करते हैं, 52, 61, 52, 80, ये 56 के लिए यूज करते हैं हैच लगा के, ये माइक्रो प्रोग्राम है। फिर हैच 5281 से लेकर 5300 तक, ये 57 में यूज करते हैं, और 5301 से लेकर 5320, ये 58 वर्क पीस 58, ये हमारा 59 तक यूज होता है, 5321 से 5341, ठीक है। चलिए, एक्सटेंड वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट वैल्यू, देखिए क्या होता है कि मान लीजिए कि हम तो ये 54 में बना दिए, अगर इसके अलावा और मुझे ऑफसेट की यूज करना हो तो इस तरह एक्सटेंड में बनाते हैं। इसमें है 701 से 701 यानी 54.1 P1 वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट वैल्यू होता है, ठीक है, और फिर इसको डालेंगे तो P2 हो जाएगा, ऐसे P3 P4 करते करते 7941 से लेकर 7960 तक हमारा आ जाएगा 54.1 P45, 4 से 48, ये वर्क पीस ओरिजिन ऑफसेट होता है। तो ये जो है मतलब ऑफसेट के अंदर ऑफसेट, ऑफसेट के अंदर ऑफसेट बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसको आपको विस्तार में समझा देते हैं। देखिए, ये हमारा जो ऊपर अभी देख रहे थे 52, 21 से 52, 40 तक, 52, 21 से देखते हैं। देखिए,
यहाँ आइए, एक्सटेंड वाला एक्सटर्नल एक्सटर्नल वर्कपीस ऑफसेट है जो 5201 है। देखिए यहाँ पे 5201, ये हमारा एक्स के लिए 1 यूज हुआ है, वाई के लिए 2 यूज हुआ है, और जेड के लिए 3 यूज हुआ है, और 4 के लिए बी, यानी बी एक्सिस जो 4 एक्सिस होता है उसके लिए, बी ए जो होता है वो 4 एक्सिस होता है उसके लिए यूज हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए, हमने एक छोटा सा आपको समझाने के लिए मैंने बना रखा है प्रोग्राम। देखिए 54B00, यानी जो हमारे बी एक्सिस है, मतलब ये 4 एक्सिस मशीन का मैं बना रखा हूँ। अगर आपको 3 एक्सिस में बनाना हो तो इसमें बी का कोई ज़रूरत ना है, एक्स वाई जेड ये तीन पे ही आप बना सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 4 एक्सिस के लिए बना रखा है जिसमें आपका दोनों कवर हो जाए। देखिए 54 पे मैंने बी एक्सिस के लिए बना रखा हूँ, तो इसमें एक्स ये हमारा जी 54, देखिए 52:21 आपको मैंने बताया था, यहाँ पे 52:21 जी 54 वर्क ऑफसेट इतना। ठीक है, तो ये हमारा 52:21 में है एक्स हैज, ये हम मान लीजिए कि कोई माइक्रो पॉइंट दे देंगे, मान लीजिए ये इतना इक्वल टू डाल देंगे 100, सॉरी 100। ठीक है, और इतना इक्वल टू डाल देंगे 150। ठीक है, हो गया। देखिए इसमें एक मैंने और छोटा सा प्रोग्राम ऐड कर दिया, इतना इक्वल टू 100, इतना इक्वल टू 150। ठीक है, ये हमारे अगर मैंने होल डायल किया होगा, ये हमारा वाई का और ये हमारा एक्स का। ठीक है, हमारा वाई का है, ये एक्स का। ओके, देखिए अब देखिए इतना, ये हमारा 54 में एक्स में एक्स का वैल्यू इतना है, और इतने में इतने इतने तो मैंने करेक्शन कर करके इतना कर दिया। तो इसमें ये होता है कि अगर हम इतने ऐड कर रहे हैं, ये वैल्यू मान लीजिए ये ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारे 100 में ऐड होगा, बल्कि इतने में 561 में नहीं, ये इतने के इक्वल है, मतलब 561 के इक्वल हमारा 100 है, तो 100 में 61.94 इतना इतना ऐड होता रहेगा। ठीक है, और उसी तरह वाई में तो ये है 562, 562 है इक्वल टू इतना है, तो यानी 150 प्लस 20.023, इसी तरह 1.51, यानी वाई में ये इतना ऐड होगा। ठीक है, इतने में नहीं, ये इसके इक्वल है, तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस। और जेड में जब पार टच करा के जो वैल्यू ऐड करते हैं वो वैल्यू यहाँ हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता तो जेड के लिए भी ये बना देता, यहाँ पे जेड के लिए भी एक बना देता एच 563 इक्वल टू मान लीजिए 200। ठीक है, लेकिन हमारा जेड के लिए इसलिए नहीं बना रखा कि ये हमारा क्या है, हर एक टूल पे अलग अलग आएगा। ठीक है, 54 पे कुछ अलग आएगा, 55 पे कुछ अलग आएगा। ठीक है, इसके लिए इसको मैंने नहीं बना रखा है। ठीक है, तो उसी लिए देखिए अब आ जाइए यहाँ पे G55 पे, G55 है 5141, देखिए आपको दिखाऊँ, G55 है 5141। ठीक है, तो इस पे भी 180 डिग्री पे मशीनिंग होगा, मतलब रोटरी हमारी 180 डिग्री घूम जाएगी, तो हम वहाँ ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए देखिए
ये देखिए, अब ये क्या किया है कि जो ये 54 का रीडिंग है, यहाँ देखिए 52:21 इक्वल टू इतना है, ठीक है। अब ये इन्होंने क्या किया है कि यहाँ पे 52:41 इक्वल टू ये जितनी वैल्यू आ रही है उसमें कोई करेक्शन है, तो मैंने करेक्शन इतना कर दिया, ये इसके इक्वल हो गया, ठीक है। फिर ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसमें क्या किया है कि 552 इक्वल टू 150 और इतने ऐड कर दिए, तो हमारा ये वाई के वैल्यू मिल गया। और जेड के लिए फिर टूल को टच कराकर और बी एक्सिस इसके इक्वल है, मतलब ये हमारा 59.996 यानी इसमें 39 डिग्री कम है 360 होने में, इसलिए जब वी एक्सिस को सेट किया गया तो हमारी जो जीरो ग्रेडिंग आई है इतनी आई है, ठीक है। और ये बता दूंगा कि वी एक्सिस कैसे हम चेक करते हैं कि ये जीरो है कि ना है, और उसका जीरो कैसे करते हैं, पैरामीटर में कैसे जाके जीरो करते हैं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। तो ये जब बी एक्सिस चेक किया गया है तो इतनी रीडिंग आई है, तो इतने डिग्री है, ये हमारी रीडिंग डिग्री में है, ठीक है। तो ये हमारा 55 हो गया, 56 के लिए भी वैसा ही है, 20:61 उसमें भी ऐड कर दिया गया, ये 57 हो गया इसमें भी ऐड किया गया। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर कोई इसमें कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बताऊंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।